हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कट चॉप एंड कुक। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पोटैटो चीज बॉल्स, वो भी बहुत ही आसान तरीके से घर पर। तो सबसे पहले मैंने देखिए चार से पांच जो है मीडियम साइज पोटैटो को अच्छे से बॉईल करके रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगी, इन्हें हाथों से अच्छे से मैं मैश करूंगी। पोटैटोस मैश करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी टमेटो, पर आप ध्यान रखें कि जितना हो सके इसमें पानी या किसी भी तरीके की ग्रेवी जैसे ये है ये ना जाने दें। मैं इसमें ऐड करूंगी कैप्सिकम थोड़ी सी बारीक कटा हुआ, अनियन, ग्रीन चिलीज, मसाले मैंने रखे हैं जिसमें मैंने आधा जो टीस्पून है वो रखा है ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स, तो ये सभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब नमक ऐड करने से पहले मैं हमेशा क्या करती हूँ कि एक टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कोई वाटर इसमें होता है तो वो जो होगा कॉर्नफ्लोर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी अपने स्वाद के अनुसार नमक। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए, अगर आपको अपनी पोटैटो बॉल्स बहुत ज्यादा चीजी खानी है तो आप इस स्टेज पे लगभग 1.5 टेबल स्पून जो है इसमें चीज ऐड कर सकते हैं। कोई भी चीज आप इसमें यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मैश और मिक्स कर लिया है। तो अभी से एक साइड करेंगे और अब हम स्लरी बनाएंगे। देखिए, मैंने एक बोल में ऑलरेडी 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर डाल लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ही मैदा और थोड़ा सा नमक। नमक डालते हुए आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आप इसमें चीज ऐड करने वाले हैं, उसमें भी थोड़ा नमक होता है। स्टफिंग मतलब जो आउटर लेयर है पोटैटो वाला, उसमें भी हमने नमक डाला है, तो इसमें नमक थोड़ा सोच समझ के ही आप ऐड करें। तो अब हम इसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और लम्स फ्री। बैक ऑफ द स्पून को ये अच्छे से देखो कोट करिए, तो यही कंसिस्टेंसी अब हमें इसे की चाहिए। तो ये रेडी हो गया है, स्टफिंग रेडी हो गई है। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, बाजार से नहीं लिए हैं, मैंने 2 फ्रेश ब्रेड को मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड करके ही इसे बना लिया है और मैंने ली है चीज। अब हम बनाएंगे अपनी बॉल्स। आप चाहें तो चीज क्यूब्स भी यूज कर सकते हैं। देखिए, हमारी सारी चीज जो पोटैटो चीज बॉल है वो मैंने रेडी कर लिया है। अब कम से कम 15 से 20 मिनट इन्हें हम फ्रीज करने के लिए रखेंगे। देखिए, तेल को जो है मैंने मीडियम सा गर्म कर लिया, बहुत ज्यादा तेल गर्म नहीं करना है। और मैंने जो अपनी चीज बॉल थी वो भी फ्रीजर से अब निकालते हैं आफ्टर 20, तो मीडियम गर्म होना चाहिए। और अब धीरे से हम अपनी चीज बॉल को इसमें फ्राई करेंगे लाइक दिस। देखिए, जो हमारी पोटैटो चीज बॉल्स हैं वो डार्क गोल्डन कलर की हो गई है, ब्राउन सा कलर हो गया है, तो यही सही समय है इन्हें तेल से निकालने का। बड़ा केयरफुली एक्सेस ऑयल को निकाल दें और इसी तरह से आप बाकी बैचेस भी कंप्लीट कर लें। देखिए, हमारी मजेदार पोटैटो चीज बॉल्स बनके तैयार है। आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा कितनी करारी है ये, कितना प्यारा टेक्सचर इनका आया है। अब एक हम आपको कट करके भी दिखाती हूँ, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए,
ये देखिए, तो इस तरह से हमारी जो है पोटैटो चीज बॉल्स बनके तैयार है। बहुत ही यम्मी लग रही है। आई होप आपको इसकी रेसिपी जो है पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।